स्टूडेंट्स वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 6D जो कि 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और x की वैल्यू दी गई है। एक्सप्रेशन है आपका 9x² + 24x + 16 की वैल्यू बतानी है। अगर x = दिया है 12 रख के, तो आपको यहाँ पे 12 नहीं रखना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में सिंपलेस्ट करना है और तब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ गौर करोगे, इसको हम लोग 3x² लिख सकते हैं प्लस इसको हम लोग 4² लिख सकते हैं प्लस 24x यानी 2 × 3x × 4 लिख सकते हैं। अब जरा देखो a² + b² + 2ab इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b² 3x + 4 2। अब जरा देखो x की वैल्यू क्या है, 12। इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है 3 × 12 + 4 2। क्या हो जाएगा वैल्यू, 36। 12 × 3 = 36 + 4 कितना होगा, 40। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर 16 000। ये हो गया इसका 8 नंबर का रिजल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक वो भी सेम टाइप का है लेकिन x और y दो वैल्यू पुट दी गई है। देखो 9 नंबर में एक्सप्रेशन है 64x² + 81y² + 144xy। आपको x की वैल्यू रखना है 11, y की वैल्यू रखना है 4/3। फिर क्या कीजिएगा, इसे आप लोग 8x² लिख सकते हैं प्लस 9y² प्लस 2 × 8x × 9y। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14x यहाँ पे y लिख सकते हैं। तो देख लो बाबू a² + b² + 2ab। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है कंडीशन और x y की वैल्यू दिया है। इसमें पुट ये करके नहीं निकालना है, इसको स्क्वायर के रूप में दिखा करके तब वैल्यू रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 64x² + 81y² + 144xy। ओके, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 8x² लिख सकते हो प्लस 9y² लिख सकते हो आप प्लस 2 × 8x × 9y। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 140xy आएगा। तो देखो a² + b² + 2ab क्या लिख सकते हो, a + b² 8x + 9y² अब इसका वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है 11, तो 8 × 11 प्लस y की वैल्यू क्या है 4/3, 9 × 4/3 स्क्वायर। तो ये हो गया 88 + 3 = 9 यानी 12 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 100 का स्क्वायर = 10,000। ये हो गया रिजल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये माइनस वाला है। तो जब ये बता दिए थे तो ये तो बन ही जाता, लेकिन ये वाला फर्स्ट बताने के कारण। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन a - b² की कंडीशन पे है, दिया है आपको 36x² + 25y² - 60xy। अब क्या राइट कर सकते हो, 6x² + 5y² - 2 × 6x × 5y a² + b² - 2ab यानी 6x - 5y² तो क्या हो जाएगा, 6x की वैल्यू 2/3 - 5
वाई की वैल्यू 1/5 दी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये कटेगा 3 2 6, 2 2 क्या होगा 4, माइनस 5 1 5 1 दी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हो गया। देखो बाबू कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने जो कि कोई भी कंडीशन में ठीक भी बताया था, आप इसको सॉल्व करोगे। और देखो एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे और कितना आसान है। जैसे आपको कोई वैल्यू दिया रहे x प्लस 1/x की, कोई वैल्यू a रहे और पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2 कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन कैसे इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकालोगे, तो सपोज करो कि यहाँ 4 है ओके, और आपको बताना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 दोनों का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये लिखोगे एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, यहाँ लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर करोगे ओके। तो ये जब स्क्वायर करो तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर होगा, एक्स प्लस 1/x दी होल स्क्वायर आइधर 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो वो बी तो 1/x है इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, एक्स एक्स कट गया है 2 प्लस में क्या है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना आ गया 14। अब जरा देखो जब इसका वैल्यू 14 आ गया तो इसका वैल्यू 194 आएगा, क्यों देखो अब इसका फिर क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 और प्लस 2 इंटू ए, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2 194, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे ओके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जो सर उमंग के साथ। सो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 6D को आप पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तब हम लोग फिर अलजेब्रा के अगले पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे ओके। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।